झाड़ोल में साड़ियों की बहार, आज मेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार, जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किशन भाई का वादा। अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उपखंड क्षेत्र झाड़ोल के पंचायत समिति सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत मोबाइल वितरण का हुआ शुभारंभ। स्मार्टफोन वितरण का शुभारंभ झाड़ोल प्रधान राधा देवी परमार व तहसील हिम्मत सिंह राव द्वारा की। सरकार की योजना व सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए बजट में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की घोषणा की थी। इस योजना में 3 साल तक फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जा रहा है। प्रथम चरण में झाड़ोल उपखंड के 6000 लाभार्थियों को मोबाइल वितरित किया जाएगा, जिसमें विधवा, नरेगा, शहरी रोजगार, कॉलेज, स्कूल छात्रा आदि कैटेगरी को प्रथम चरण में मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं। कैंप में ही जनाधार ई वॉलेट की KYC करके पेमेंट डाला जाएगा, साथ ही मौके पर ही काउंटर पर मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध हो जाएगा। DUIT के अधिकारियों ने बताया कि निजी ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो संबंधित कंपनियों को कमीशन देना पड़ता है। यह पहला ई वॉलेट है जो जनाधार कार्ड से जुड़ा होगा। मोबाइल के लिए लगने वाले कैंप में KYC पर इसे शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के पास बड़ा जनाधार डेटाबेस होने से यह सुरक्षित भी है। सबसे पहले इसमें मोबाइल व रिचार्ज के लिए 6800 ट्रांसफर किए जाएंगे। मोबाइल वितरण की प्रक्रिया में 6 जोन बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम जोन हेल्प डेस्क, 2 जोन रजिस्ट्रेशन काउंटर, 3 जोन फुल KYC, 4 जोन TSP, 5 जोन में TBT से रिलेटेड कार्य किए जाएंगे व जोन 6 में डिजिटल मार्ग दर्शन किया जाएगा। गहलोत द्वारा तो राज्य सरकार से स्मार्टफोन मोबाइल वितरण कार्यक्रम आज झाड़ोल पंचायत समिति में शुरू किया गया है, जो अभी वितरण भी कर दिया है। और इनके साथ ही जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ला के जमा करा के अपना मोबाइल प्राप्त करें। और राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है, उन योजना का लाभ भी ले और इन मोबाइल द्वारा अपने सभी सरकारी काम हैं और भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हम मोबाइल से बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।